हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J400F मॉडल नंबर है और इस मोबाइल में पैटर्न पिन पासवर्ड यदि आप लगाकर भूल गए हैं तो कैसे आप हार्ड रीसेट मेथड द्वारा आप उसे रिमूव करेंगे और साथ में FRP बाईपास भी करके इसी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, इससे आप भी जान पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग J400F/DS मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इसे अब हम हार्ड रीसेट करने वाले हैं। इस मोबाइल को हार्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन और होम बटन और पावर बटन, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। इसके बाद जैसे ही स्क्रीन पर सैमसंग गैलेक्सी J4 लिख कर आ जाता है तो आपको पावर बटन को छोड़ देना है और वॉल्यूम अप बटन और होम बटन दोनों को प्रेस करके ही रखना है। इसके बाद स्क्रीन पर एंड्रॉयड रिकवरी लिख के आ जाता है तो आपको वॉल्यूम अप बटन, होम बटन दोनों को भी छोड़ देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिबूट सिस्टम नाउ, रिबूट टू बूट लोडर, अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड, वाइप डेटा या फैक्ट्री रीसेट का। तो वॉल्यूम डाउन की सहायता से वाइप डेटा या फैक्ट्री रीसेट पर आ जाना है और उसके बाद से फाइनली यहाँ पे आपको पावर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करिएगा आपका मोबाइल में जो भी डाटा रहेगा सारा रीसेट हो जाएगा, तो ऑल टोटल इरेज हो जाएगा। यहाँ पर आपसे फाइनली परमिशन मांग रहा है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम डाउन के सहायता से यस पर आके पावर बटन को प्रेस कर देना। इसके बाद आपके मोबाइल का जो भी डाटा रहेगा सारा चीज़ इरेज हो जाएगा और उसके बाद से मोबाइल पुनः आपका रिबूट सिस्टम पे, यहाँ पे स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा तो आपको रिबूट सिस्टम नाउ पावर बटन दबा के यहाँ पे दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना अपने मोबाइल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मोबाइल स्टार्ट होने में कुछ समय लग सकता है, 5 या 10 मिनट का, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा रिस्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली जब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो मोबाइल आपका ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मोबाइल हमारा स्टार्ट हो चुका है और स्क्रीन पर स्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद से एक दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके इस मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको सबसे लास्ट वाला बॉक्स में टिक करके आई हैव रीड एंड एग्री टू ऑल ऑफ द अबव, तो एग्री पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आता है चेकिंग फॉर अपडेट, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है, यहाँ पे आपको कुछ समय भी लग सकता है। और उसके बाद से यहाँ पे आपका चेकिंग इन्फो का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गूगल का आ जाएगा वेरीफाइंग योर अकाउंट, तो यहाँ पे आपको अगर जीमेल आईडी पासवर्ड अगर जो मोबाइल में पहले से रजिस्टर था तो अगर वो याद है तो यहाँ पे आप इंटर करके नेक्स्ट कर सकते हैं। यदि आपको जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं मालूम है तो आपको FRP बाईपास करना होगा या फिर गूगल अकाउंट अनलॉक करना होगा। FRP बाईपास करने के लिए दोस्तों आपके पास से एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है और यदि कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किए होंगे तो सबसे पहले उसे आप डिसेबल कर लें। इसके बाद से एक आपको सैमसंग FRP टूल डाउनलोड करना है, वो आपको टूल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद से एक्सट्रैक्ट करके उसे आपको रन कर लेना है। इसके बाद से इस टूल को डबल क्लिक करके रन कर लेना है। इसके बाद से अपने मोबाइल को वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट करके आपको सिंपली PC से कनेक्ट करना है और जैसे ही आप PC से कनेक्ट करिएगा उसके बाद से आपको बाईपास FRP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका इस टूल में सर्चिंग फॉर सैमसंग MTP बोर्ड लिख कर आ जाएगा। इसके बाद से इस टूल में आपको मोबाइल का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्क्रीन पे लिख के आ गया इंस्टॉलिंग ड्राइवर लॉन्चिंग ब्राउजर इवेंट, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। उसके बाद से कुछ ही देर में फिनिश लिख के आएगा और प्रेस व्यू ऑन डिवाइस स्क्रीन टू ओपन द ब्राउजर देन कंटिन्यू टू बाईपास FRP। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है और स्क्रीन पर लिख के आ गया है इजी फर्मवेयर, तो यहाँ पे हमको व्यू पे फाइनली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं
यहाँ पे आपका YouTube ओपन हो जाएगा, उसके बाद से डायरेक्टली आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इसके बाद नो थैंक्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है और इसमें आपको टाइप करना है एड्रोम FRP बाईपास, ADDROM FRP बाईपास। जैसे ही आप सर्च करते हैं स्क्रीन पर आपका आ जाएगा बाईपास गूगल अकाउंट 2022 एड्रोम, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और आपको देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स गैलेक्सी स्टोर, गूगल क्यूक सर्च बॉक्स और सेटिंग और स्क्रीन स्मार्ट लॉक। तो यहाँ पे आपको फाइनली चौथा नंबर पॉइंट पे स्क्रीन स्मार्ट लॉक पे क्लिक करना था। इसके बाद से कोई आपको एक नया पैटर्न यहाँ पे सेट करना था, और जैसे ही आप पैटर्न सेट करते थे तो आपको यहाँ पे FRP बाईपास हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 2022 में अपडेट कर दिया गया है, अब ये FRP बाईपास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्ट्रिक को अपनाया लेकिन हमारा ये मोबाइल FRP बाईपास नहीं हो पाया। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको पुनः PC से मोबाइल कनेक्ट करके सैमसंग FRP टूल के जरिए व्यू पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट पर आ जाना है एड्रोम वेबसाइट पर। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने सेटिंग पर क्लिक किया हुआ है और इसमें एंड्रॉयड वर्सन 8.0 है। तो यहाँ पे वापस से इस वेबसाइट पे आके आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पहला है गूगल अकाउंट मैनेजर, देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड 8.9.10 जो है, तो इसको हमको डाउनलोड करना है और एक FRP बाईपास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एंड्रॉयड 8.9.10 गूगल अकाउंट मैनेजर पर क्लिक करिएगा तो क्रोम आपसे परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है और इसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्रोम में आपको अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद से बैक आकर के इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आपका गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली आपको डन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद से आपको FRP बाईपास एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद से इसे आपको ओपन कर लेना है और आपको राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्राउजर साइन पर और यहाँ पे आपको अपना गूगल में साइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक नया Gmail ID पासवर्ड यहाँ पे आपको जो याद है यहाँ पे आपको इनपुट करके नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद से सिंपली आपको मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा है तब तक यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर आता है तो आपको मिस ना हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल हमारा स्टार्ट हो चुका है और एलाओ पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना और मोबाइल आपका वाईफाई से कनेक्टेड ही रहना चाहिए और उसके बाद एग्री पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आता है चेकिंग फॉर अपडेट, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर आ जाता है अकाउंट एडेड का ऑप्शन, यानी कि समझ लीजिएगा आपका मोबाइल का जो FRP है बाईपास हो चुका है। इसके बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आता है नो बैकअप फाउंड, यहाँ नेक्स्ट करना है और देख सकते हैं स्क्रीन पर आ जाता है प्रोटेक्ट योर फोन, तो यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद गूगल का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आता है तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मोबाइल के स्क्रीन पर ऑल डन लिख कर आ गया है, यानी कि मोबाइल हमारा सारा सिस्टम सेटअप कंप्लीट हो चुका है और FRP बाईपास हो गया है। यदि आपको इस मेथड में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।